अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बर्बाद करके रख दिया है इस सोसाइटी को कुछ ऐसे लोगों ने जो कदम ब कदम हदूद पार करते हैं और इस सब चीज़ को जायज़ भी समझते हैं। बहरहाल हमारा तो कुछ नहीं जाता, बर्बादी इस काम का मुकद्दर बन चुकी है। हर गली मोहल्ले से बजाय इसके ये जिस काम के लिए ये मुल्क हासिल किया गया था इस्लाम के नाम पर, कि हम इसमें इस्लाम नाफिज करेंगे, इस्लाम वाले होते इस्लाम वालियाँ होती, हमारे यहाँ मिरासी कंजर बेगैरत बेशर्मज़ादा लोग हैं। हाँ, लगा होगा बुरा और ये चीज़ भी नॉर्मल होगी जो कि बैकग्राउंड में चल रही है, और ये भी कि किसी की लाइफ है, हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो किसी की लाइफ को देखा देखी अगर इस कौम की बहनें बेटियाँ ख़राब होती हैं तो कोई मसला नहीं, हमें इससे क्या। किसी की लाइफ देख कर, नाचना गाना देख कर, अगर आपके हमारे घरों में शही बेहयाई घुस जाती है तो नॉर्मल बात है, सवाल बनता है। और जवाब ज़रा दिल से पूछिएगा, तो अगर बुरा लगता है कि अगर ये चीज़ें हमारे यहाँ पहुँच जाएँ, हमारे घरों में, हमारी फैमिलीज़ में पहुँच जाएँ, तो खुदारा इन्हें देखकर मज़े मत लिया करें, कंडेम किया करें। सब चीज़ को गलत और सही को सही कहना सीखें, वरना जैसे हुक्मरान मुसलत हैं, जिस तरह हक को दबाया यहाँ जाता है, ऐसे ही एक वक्त आएगा इससे भी शदीद नाइंसाफ़ी करने वाले हुक्मरान मुसलत होंगे और हमारा जीना मजीद अचीरन हो जाएगा, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी और हम लिबरल सेकुलर कहलाएंगे, जिन्हें जिस तरफ भेड़ बकरियों की तरह मोड़ दिया जाए वो मुड़ जाएंगे, और इस्लाम इनके पास से भी भटकने वाला ना होगा। शेयर कर सकते हैं तो लाजमन कीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब प्रस्ती।